सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, सब सेफ होंगे और मास्क और सैनिटाइजर। सो आज अपने पीछे खड़ी है एक और एक न्यू कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी है, हरियाणा से बिलोंग करती है। राजस्थान में भी इसने अपने जो आउटलेट्स है ओपन कर दिए। तो वैसे मुझे इस पर्टिकुलर स्कूटर का जो RGB लाइट्स है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। आज बात करने वाले इसी के बारे में बताऊंगा आपको, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। नॉन RTO रजिस्टर वाली, मतलब RTO में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली परचेज करो और इसको आप डेली कम्यूट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना हमसे दोस्तों, लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको नहीं दबा, उसको दूसरा बार में करो दब जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते रहिए आर ब्लॉग। अपने सामने स्कूटर है, ये फुली इलेक्ट्रिक है। कंपनी का नाम जो है वो वेरी वो है, कुछ ऐसा आपको इसका स्टिकर देखने को मिल जाएगा, लोगो देखने को मिल जाएगा वेरी वो। इसमें आपको आप RGB लाइट्स देखने को मिलती है, मतलब ये कलर चेंज कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और अगर मैं आपको पूरा लुक एक वॉक अराउंड दे दूँ तो कुछ ऐसा आपको वॉक अराउंड देखने को मिल जाएगा। जो स्कूटर है उसको थोड़ा प्रीमियम रखने की कोशिश करी गई है, मतलब जो ओवरऑल डिज़ाइन दिया गया वो थोड़ा प्रीमियम डिज़ाइन दिया गया है। या आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा होगा, वहाँ पर व्हाइट कलर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। फ्रंट की लाइट जो है आपको LED देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में जो पूरा सिस्टम है आपको LED कंसोल देखने को मिल जाएगा विद RGB, आपको ये लाइट्स दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको DRL भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसमें इंडिकेटर भी दिए हुए हैं। जैसे हम आते हैं बैक वाली साइड पे टेल लाइट के बारे में बात करते हैं, ये भी आपको प्रॉपर टिपिकल टेल लाइट जो वो भी LED ही देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। नॉन RTO रजिस्टर है कि आपको RTO के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। सीट के बारे में बात करूँ, सीट थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, बट आपको जो टेक्सचर है सीट का एक प्रीमियम स्कूटर वाला देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको बैकरेस्ट भी देखने को मिलता है आपके पिलियन के लिए। कंफर्ट के लिए बात करूँ तो राइडर और पिलियन दोनों का ही कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाना है। सीट थोड़ी सॉफ्ट है, साइड पर रखी गई है। लेग स्पेस के बारे में बात करूँ तो लेग स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाने वाला है। 6 फीट तक का अगर कोई होगा तो इजीली उनको जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली है। बात कर लीजिए फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और ये जो अलॉयज हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करने वाले और अलॉयज का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ब्रेकिंग आपकी अच्छी खासी हो जाने वाली है। आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको सस्पेंशन में क्वालिटी में भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल दो मैंने अभी इसको राइड करके नहीं देखा है, राइड रिव्यू अगर आप मेरे को नीचे कमेंट करोगे तो इसका मैं आपको राइड रिव्यू भी बना के दूंगा। प्राइस के बारे में बात करूं तो ये ओनली एंड ओनली आपको 84,000 में देखने को मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बजट में, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाम इसका Ace+ रखा गया है, वेरीवो कंपनी Ace+ रखा गया है इसका नाम पर्टिकुलर। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर आप इसको बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूं तो कुछ आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिल जाएगा। बैटरी का साइन है, स्पीड देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ओडो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रेडी लिखा है, यानी कि आप रेडी टू गो हो। स्विच गियर्स के बारे में बात करूं तो आपको हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये वाला जो आपको हजार्ड का स्विच भी इसके अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर रिवर्स गियर भी दिया गया, यानी कि आप इसको रिवर्स में भी लेके जा सकते हो, कहीं अटक जाए तो आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हो। यहाँ पे आपको इसके अंदर यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिया गया, लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, यहाँ पे आपको इसके अंदर जो मोड्स हैं उनको चेंज करते हो, इसको दबाओगे तो ये स्पीड में आ जाने दो, यहाँ पे लिखा आ गया मोड 2 लिखा आ गया। जैसे ही मैं इसको एक और बार दबाऊंगा यहाँ पे ऐसे मोड 1 में आ गया, तो ये दोबारा से जो पूरे टॉगल कर सकते हो आप इस बटन से। यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन देखने को मिल सकता है कि सेल्फ का ही है, इसको ऑन करने का, इसको स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे आप जो सेटिंग्स है उसको चेंज करते हो, मतलब ओवरऑल जो इसके अंदर सेटिंग्स दी गई हैं आपको स्पीड की, बाकी सारी सेटिंग्स जो भी इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको इसके अंदर थ्रॉटल यहीं से देखने को मिल जाएगा, रियर व्यू मिरर से वो भी प्रीमियम क्वालिटी के ही रखे गए हैं, आपको पूरे एक स्टेनलेस स्टील में मिरर देखने को मिल जाते हैं, और इनसे आपको रियर का व्यू है काफ़ी अच्छा खासा आ जाने वाला है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल स्कूटर है काफ़ी अच्छा लग गया है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, नॉन RTO रजिस्टर्ड, आपको RTO के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की नहीं जरूरत पड़ेगी, यानी आप सीधे बाय करो और आप इसको डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी इसके अंदर ये जो RGB लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं जो पूरी चेंज हो रही हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। और LED का थ्रो अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं तो कुछ इतना आपको LED का थ्रो देखने को मिल जाता है, ज़्यादा तेज़ नहीं है बट आपको हाँ प्रॉपर नॉर्मल एक LED का थ्रो इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और जो DRL है वो भी आगे देखने को मिल जाते हैं, कुछ ऐसे आपको इसमें DRL भी देखने को मिल जाए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग लग रहे हैं। तो ओवरऑल बिल्कुल परफेक्ट, अगर आप जाना चाहो इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। स्क्रीन सेट साइड सेट दोनों का ही ऑप्शन आपको इसके अंदर दिया गया, रियर में आपको ट्यूबलेस टायर ही दिया गया है, यानी कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पंचर वंचर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं अगर फाइबर के बारे में बात करूँ तो जो पूरा मेटल है ये पूरा मेटल बॉडी है, मतलब मेटल बॉडी इसके अंदर यूज हुई, अभी फाइबर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, ये पूरा जो पोर्शन है ये मेटल का है। कि अगर रेंज के बारे में बात करूँ तो आपको अराउंड 85-95 की रेंज, मतलब 85-95 किलोमीटर पर चार्ज आपको रेंज मिल जाएगी। बैटरी जो चार्ज होने में 2 यूनिट की जो आपकी बैटरी कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है होने वाला है 2 यूनिट का, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म में कैसी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली। और वहाँ पे एक और इसका व्हाइट कलर वाला भी खड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ भी आप बिल्कुल जा सकते हो।
तो यही था अपने वीडियो अमेजिंग स्कूटर के बारे में एस प्लस, और आपको इसका एक और कलर देखने को मिलता है व्हाइट कलर का खड़ा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का देखने को मिलता है। बट इसमें जो लाइट है मुझे काफी अमेजिंग लगी, जो कलर चेंजिंग की लाइट है ना काफी अच्छी लग रही है। जानते हो लोग जा सकते हैं, मुझे पता है वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हैं इस वीडियो को, शेयर करते हैं दोस्तों, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसको नहीं दबाया उसको दूसरे बारे में दब जाना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी बढ़िया सी अमेजिंग वीडियो, तब तक के लिए आरियस मीगो साइनिंग ऑफ आर ब्लॉग।